भाकपा का एलआईसी प्रधान कार्यालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन। देश की अर्थव्यवस्था को असंतुलित करने की केंद्र सरकार की नापाक इरादा साबित करता है कि कुछ खास उद्योगपतियों के लिए यह सरकार काम कर रही है। आम जनता के सवालों एवं मुद्दों से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। एसबीआई एवं एलआईसी के गरीब मध्यवर्गीय लोगों की गढ़ी कमाई को गौतम अडानी द्वारा महा घोटाले के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी द्वारा एलआईसी मधुबनी मुख्य शाखा के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव मिथिलेश झा ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता बनाने में लगे हुए हैं। किसानों को राहत देने के बजाय अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की योजना बनाकर उन्हें कर्जा दिलाया गया है। वह उनके खाते को एनपीए में डालकर आम लोगों के पैसे से उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी करने की षड्यंत्र की जा रही है। मधुबनी से संवाददाता राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। सर, ये आंदोलन कराने का क्या नीति है? ये आंदोलन कराने के पीछे हम लोगों का ये मकसद है कि आज देश की जनता समझ गई है कि 2014 से जो बीजेपी आरएसएस की सरकार केंद्र में है, हमारे देश में शासन उनका चल रहा है, वो गरीबों और किसानों के लिए नहीं है, महज कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी सारी नीतियाँ बनाई जाती है। उसका स्पष्ट नमूना है हिंडन वर्ग का जो अभी खुलासा हुआ है, जिसके तहत गौतम अडानी का जो शेयर, जिस रूप से शेयर मार्केट में गिरावट आई है और उसका जो पैदान नीचे आया है, जो हमने पहले भी बोला है कि 2014 में उसका 609वां स्थान था और अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया हुआ, लेकिन जैसे ही उसके काली कारतूतों का खुलासा हुआ आज उसका क्या हाल है। लेकिन LIC और SBI में जो के नाम से जो उन्होंने लोन लिया था, ऋण लिया था, उसका जो उन्होंने ब्लैकलिस्टेड वो कर दिया, और वो हमारी कमाई है, हमारे जनताओं की कमाई है, वो केंद्र सरकार का उसमें सह है, उसमें साजिश है, उसके खिलाफ हम आम लोगों को सचेत करने के लिए, सूचना देने के लिए ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी।